हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नया वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम 100 वाट सोलर पैनल से कितने एम्पियर तक की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, और दोस्तों जो हम बैटरी चार्ज करेंगे वो कितने समय में फुल चार्ज हो जाएगा। क्या हम दोस्तों 100 एम्पियर की बैटरी चार्ज कर सकते हैं, 150 एम्पियर की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं कि नहीं, 200 एम्पियर बैटरी को चार्ज कर सकते हैं कि नहीं, और 250 एम्पियर की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं कि नहीं हम अपने 100 वाट सोलर पैनल से। तो काफी ज्यादा लोग 100 वाट सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ज्यादा लोगों ने मुझे मैसेज किया हुआ है कि ऐसा कि हमारे पास 100 वाट का सोलर पैनल है, तो क्या हम अपनी बैटरी को, हम 150 एम्पियर बैटरी को चार्ज कर सकते हैं कि नहीं, हम 200 एम्पियर बैटरी को चार्ज कर सकते हैं कि नहीं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं आपको क्लियर सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप 100 वाट सोलर पैनल से आप चाहें तो 50 एम्पियर की भी बैटरी को चार्ज कर सकते हो, और 250 एम्पियर बैटरी को भी इजिली आप चार्ज कर सकते हो। अगर 250 के ऊपर का भी कोई बैटरी है, 300 एम्पियर की भी कोई बैटरी है, तो आप उसको भी चार्ज कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप जितना बड़ा बैटरी चार्ज करना चाहते हो, उतना ही ज्यादा आपको समय लगेगा आपकी बैटरी को फुल चार्ज होने में। तो नॉर्मल तौर पे हमारा 100 वाट सोलर पैनल को 150 एम्पियर बैटरी को फुल चार्ज करने में 3 दिन समय लगता है। 3 दिन में हमारा 100 वाट सोलर पैनल जो है, हमारी नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी या फिर नॉर्मल सोलर बैटरी को जो कि 150 एम्पियर की होती है, उसको फुल चार्ज करने में 3 दिन समय लग जाता है। वही अगर हम बात करें 200 एम्पियर बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो 4 दिन समय लगेगा। 250 एम्पियर बैटरी को चार्ज करने के लिए हम बात करें तो 5 दिन समय लग जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, आप 100 वाट सोलर पैनल के साथ आप कोई सा भी बैटरी का इस्तेमाल तो कर सकते हो, लेकिन यही है कि आपको समय ज्यादा लगेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई 150 एम्पियर की बैटरी है, तब दोस्तों ऑलरेडी आपके पास एक 100 वाट का सोलर है, तो आप एक और 100 वाट का पैनल जो है बढ़ा सकते हो। मतलब 200 वाट अगर हो जाएंगी तो आपकी 150 एम्पियर बैटरी को इजिली चार्ज करते रहेंगे। अगर दोस्तों आपके पास कोई 200 एम्पियर की इन्वर्टर बैटरी है या फिर सोलर बैटरी है, तब दोस्तों आप क्या कीजिए कि आप 200 वाट का एक और पैनल बढ़ा दीजिए। मतलब 300 वाट अगर आप यूज करते हो 200 एम्पियर बैटरी के लिए, तो ज्यादा बेस्ट होगा। दोस्तों अगर आपके पास 250 एम्पियर की कोई बैटरी है, तो भी दोस्तों आप 300 वाट 350 वाट का जो पैनल है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो अपने 250 एम्पियर इन्वर्टर बैटरी या फिर सोलर बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो आई होप कि दोस्तों कम समय में मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूले। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और हाँ दोस्तों, मुझसे पर्सनली बात करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। नीचे दिया गया है मेरा इंस्टाग्राम का यूजर आईडी, या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।